गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे हॉलीवुड की ऐसी टॉप 10 फिल्में जो हिंदी में डब्ड है और यूट्यूब पर फ्री में HD क्वालिटी में अवेलेबल है। सारी मूवीज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, थ्रिलर, फैंटेसी, साईफाई ये सारी मूवीज देखने को मिलेंगी। लेकिन बात यह है कि ये सारी मूवीज यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती है और इसकी लिंक्स कभी भी डिलीट हो सकती है, तो आपकी फेवरेट मूवी जल्द से जल्द देख लीजिए। तो चलो चलते हैं मूवीज की अमेजिंग दुनिया में। नंबर 10 पे है 2014 में रिलीज हुई साईफाई एक्शन मूवी डाइवर्जेंट। मूवी में आपको शेलिन वुडली, थियो जेम्स, माइल्स टेलर, एंसल एलिगोर्ड, केट विंसलेट जैसे अमेजिंग एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है साल में एक दिन जितने भी 16 साल के इंसान हैं उन सबको 5 में से एक फैक्शन चूज करना पड़ता है जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी काम करेंगे और इसके लिए उन्हें टेस्ट देना पड़ता है। ये 5 फैक्शन से डॉन्टलेस द ब्रेव, अमिटी द काइंड, इरुडाइट द इंटेलिजेंट, एब्निगेशन द सेल्फलेस और कैंडर द ऑनेस्ट। बेट्रिस प्रायर जो फिल्म की मेन एक्ट्रेस है, जब वो टेस्ट लेती है तब उसकी प्रॉक्टर को पता चलता है कि वो डाइवर्जेंट है, यानी कि उसके पास एक से ज़्यादा फैक्शंस की एबिलिटीज़ है। लेकिन वो उसे बताती है इस बात को वो सीक्रेट रखे क्योंकि डाइवर्जेंट लोग इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं और उन्हें एक थ्रेट माना जाता है। अब बेट्रिस इस सीक्रेट के साथ जब आगे जाती है तब क्या क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 6.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 9 पे है 2006 में रिलीज हुई एक हॉरर नेचुरल हॉरर मूवी द ब्रिड। मूवी में आपको फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज की एक्ट्रेस मिशेल रॉड्रिगेस देखने को मिलेगी। मूवी में दिखाया गया है जॉन और मैट नाम के दो दोस्त एक आइलैंड पर घूमने के लिए जाते हैं। वो वहाँ पर एक केबिन में रह रहे होते हैं। उनकी वेकेशन आराम से और मजे में चल रही होती है कि तब भी उनके सामने मुश्किलें आ जाती है जब जेनेटिकली एनहांस्ड कुत्ते जो हत्याएं करने के लिए ट्रेन किए हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। आगे क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको कुत्तों से डर लगता है तो ये मूवी बिल्कुल भी मत देखना क्योंकि ये एक नेचुरल हॉरर मूवी है। मूवी को 5.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नंबर 8 पे है 2015 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी हिटमैन एजेंट 47। फिल्म के अंदर दिखाया गया है 47 नाम का एक जेनेटिकली एनहांस्ड सुपर सोल्जर ICA के लिए यानी कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स एजेंसी के लिए हिटमैन का काम करता है। हिटमैन यानी कि जो पैसे लेकर इंसानों को मारता है और बहुत स्किलफुल होता है। ये 47 केटिया नाम की लड़की को मिलता है और उसे अपने पिता को ढूंढने का वादा करता है। केटिया की सेंसरी स्किल्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है और उसे नॉर्मल इंसानों से कई गुना ज़्यादा चीज़ें सुनाई देती है और दिखाई भी देती है। अब ये केटिया का राज क्या है और 47 और केटिया मिलके मूवी में जो धूम मचाते हैं ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 5.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 7 पे है 2015 में रिलीज हुई साईफाई एक्शन मूवी स्टॉर्मगेडन। फिल्म के अंदर कहानी दिखाई गई है एक्लॉन की जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये एक्लॉन अमेरिका के कंप्यूटर सिस्टम पर कब्जा करता है और उसे ताकत मिलती है वातावरण को काबू करने की। वो अब धरती पर कुछ भी ला सकता है चाहे वो तूफान हो, सुनामी हो या भूकंप हो। एडम और केन नाम के दो रोबोट्स मिशन लेते हैं एक्लॉन को ख़त्म करने का इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब ये दो रोबोट्स एक्लॉन को रोक पाएगा या नहीं ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में दिखाए गए डिजास्टर सीन्स देख के आपके होश उड़ जाएंगे और आपको मूवी जरूर पसंद आएगी। मूवी को 4.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 6 पे है 2012 में रिलीज हुई एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। ये मूवी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का अगला पार्ट है। मूवी में आपको हमारे रॉक ड्वेन जॉनसन, जॉस हचरसन और वैनेसा हडजंस जैसे अमेजिंग एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। मूवी में दिखाया गया है सीन एंडरसन अपने जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के एडवेंचर्स के बाद अपने ग्रैंडपा को खो देता है। लेकिन एक दिन उसके ग्रैंडपा उसे एक कोडेड मैसेज भेजते हैं। जब सीन अपने स्टेप डैड हैंक के साथ मिलकर उस कोडेड मैसेज को डिकोड करता है तो उन्हें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में एक जगह के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। जब वो उस कोऑर्डिनेट्स की बताई जगह पर समंदर से जाने की कोशिश करते हैं तो वो एक तूफान में फंस जाते हैं और वो तूफान उन्हें एक मिस्टीरियस आइलैंड पर लेके जाता है। उस मिस्टीरियस आइलैंड पर सब उल्टा होता है, यानी कि हाथी जैसे बड़े जानवर छोटे साइज के होते हैं और मधुमक्खियाँ मकड़ियों जैसे छोटे इंसेक्ट्स बहुत बड़े साइज के होते हैं। आगे उस आइलैंड पर क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 5 पे है 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी पनिशर वॉर जोन।
अगर आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, पनिशर एक मार्वल का कैरेक्टर है जिसे फर्स्ट टाइम द अमेजिंग स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस कैरेक्टर के ऊपर नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज भी आई है जिसका नाम है द पनिशर। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है फ्रैंक कैसल नाम के एक एक्स मिलिट्री मैन की, जिसके परिवार को कुछ गुंडों ने मार दिया होता है, तो वो एक विजिलेंटी बन जाता है और अपना नाम पनिशर रख देता है। पनिशर उन सारे क्रिमिनल्स से बदला लेने जाता है जिन्होंने उसकी फैमिली को मारा होता है। वो सारे क्रिमिनल्स को मारता है सिवाय एक के, जिसका नाम होता है बेली रुसोटी। वो बेली को एक बॉटल्स क्रश करने वाली मशीन में डाल देता है ये समझकर कि वो उस मशीन के अंदर मर जाएगा। लेकिन बेली कैसे तो बच जाता है, लेकिन उस मशीन की वजह से उसका चेहरा एक जिग्सॉ पजल की तरह बन जाता है और वो अपना नया नाम रख देता है जिग्सॉ। आगे जिग्सॉ क्या करेगा और पनिशर क्या करेगा, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 4 पे है 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी रिडिक। मूवी में आपको अमेजिंग एक्टर विन डीजल और WWE सुपरस्टार डेव बटिस्टा देखने को मिलेंगे। मूवी के अंदर दिखाया गया है रिडिक जो बदनाम होता है, उसे एक जले हुए प्लैनेट पर डाला जाता है जहाँ पे कुछ भी जीवित बचा नहीं होता। जल्दी रिडिक को ऐसे जानलेवा एलियंस का सामना करना पड़ता है जो कभी भी इंसानों ने देखे नहीं होते। उस प्लैनेट से बचने के लिए एक ही रास्ता होता है कि रिडिक को एक इमरजेंसी बीकन को एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि जो शिप्स खजाने की तलाश में आती है वो रिडिक को बचा सके। लेकिन जब वो इमरजेंसी बीकन को एक्टिवेट करता है तब कुछ और ही हो जाता है। वो क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 3 पे है 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मार्शल आर्ट्स मूवी द फाइनल मास्टर। मूवी के अंदर चाइना में World War II के पहले की कहानी दिखाई गई है जहाँ पे विंग चुन अपने मास्टर की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है जो होती है एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलना और अपनी आर्ट को आगे की पीढ़ी को पास डाउन करना। लेकिन उस स्कूल को खोलने के राइट्स मिलने के लिए विंग चुन को 8 टॉप लेवल मार्शल आर्ट स्कूल से सीक्रेटली लड़के हराना पड़ेगा। अब क्या विंग चुन अपने मास्टर की आखिरी इच्छा पूरी कर पाएगा या नहीं, और मूवी में जो अमेजिंग फाइट सीन्स दिखाए गए हैं ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 6.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 2 पे है 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। मूवी में मेन लीड्स में है टॉम होलैंड, जेंडाया, जैक गिलनहाल और सैमुअल एल जैक्सन। मूवी में कहानी दिखाई गई है एवेंजर्स एंडगेम के बाद की, जिसमें पीटर कुछ दिन अपनी स्पाइडरमैन की ज़िंदगी से ब्रेक लेना चाहता है, इसलिए वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ यूरोपियन वेकेशन पे जाता है। लेकिन वेकेशन के दौरान पीटर को 4 एलिमेंटल मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। उस वक्त मिस्टीरियो नाम का एक मिस्टीरियस आदमी स्पाइडरमैन की मदद करता है। बाद में निक फ्यूरी पीटर को कॉन्टैक्ट करके उन एलिमेंटल मॉन्स्टर्स के पीछे का राज जानने के लिए पीटर से मदद मांगते हैं। आगे क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 1 पे है 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर साईफाई मूवी ब्लडशॉट। मूवी में मेन लीड्स में है विन डीजल और ईजा गोंजालेस। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है रे नाम के एक मरीन का और उसके बीवी का खून किया जाता है, तो कुछ साइंटिस्ट्स मिलके रे को वापस जिंदा करते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे एक एनहांस्ड सुपर सोल्जर बना देते हैं और उसे नाम देते हैं ब्लडशॉट। जब रे दूसरे सुपर सोल्जर्स के साथ ट्रेन कर रहा होता है तब उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं होता। लेकिन बाद में मूवी में एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद रे को कुछ कुछ याद आने लगता है और उसे ये भी याद आ जाता है कि वो कौन था जिसने उसका और उसके बीवी का खून किया था। तो रे निकलता है उस खूनी से बदला लेने के लिए। लेकिन बाद में रे को एक साजिश के बारे में पता चलता है। अब ये साजिश क्या है और मूवी में जो अमेजिंग फाइट्स और टेक्नोलॉजीज दिखाई गई है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 5.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक सी या।